नमस्कार, मैं पवन दुबे और आप देख रहे हैं नया लुक। मुठभेड़ में दरोगा और साथी बदमाश घायल। यह पूरा मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। देर रात उप निरीक्षक विपिन मलिक वाया फोर्स के साथ दबिश के लिए जा रहे थे। रास्ते में दो साथी बदमाशों से मुठभेड़ हो गया, उप निरीक्षक घायल हो गए और वहीं जवाबी फायरिंग में साथी बदमाश इब्राहिम सिद्दीकी को भी पुलिस ने मार गिराया। गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी है और वह वहीं ढेर हो गया, लेकिन एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। एसएसआई कोतवाली और उनकी टीम दबिश में थी और उसी दबिश के दौरान ये लोग पहले चेकिंग में थे वहां रेलवे झाले के पास, उसके बाद दबिश के लिए निकल रहे थे। तब तक ये बदमाश आते हुए दिखाई दे, पुलिस ने इनको रोका रूटीन में जैसे रोका जाता है, तो ये लोग तुरंत गाड़ी मोड़ करके इधर पीपरपाती की तरफ भागे। पुलिस ने फिर पीछा किया और यहाँ इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आकर के पुलिस की जब घेराबंदी हुई तो इस बदमाश ने, एक बदमाश जो जिसके पैर में गोली लगी है, उसने पुलिस पे फायर कर दिया, जिससे एसएसआई कोतवाली के हाथ में चोट आई है। और पुलिस ने फिर जवाबी फायरिंग किया जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है। उसकी तलाश के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है। यहाँ मौके पर 9mm की पिस्टल, 3 कारतूस जो चले हुए हैं वो बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल बदमाश की बरामद हुई है और बदमाश को शिफ्ट करा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ हमारे एसएसआई भी हैं, वहाँ का भी घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों ने किया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यह बदमाश थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर का है और इस पर 8 मुकदमे हैं और कोतवाली देवरिया के 2 मुकदमे में पहले से वांछित चल रहा है।